गार्लिक को कहते हैं लेस लेस नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। केएल राहुल इस साल ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्हें ये अवार्ड भारतीय क्रिकेट में रहते हुए बैट्समैन की एक्टिंग करने के लिए दिया गया है। ऑस्कर जूरी का कहना है कि आज तक हम उन लोगों को ऑस्कर अवार्ड देते गए जो फिल्मों में कोई रोल प्ले करते थे। इस साल उन लोगों को भी अवार्ड देने का फैसला किया है जो रियल लाइफ में किसी रोल में बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, जब मैं छोटा था बड़ा कंफ्यूज रहता था कि क्रिकेटर बनूं या एक्टिंग करूं। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि तुम क्रिकेटर होने की एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते। इस मौके पर खासतौर पर विराट और रोहित भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने टीम इंडिया में लेकर मुझे बैट्समैन की एक्टिंग करने का मौका दिया। रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लेते। इस बीच खबर आ रही है कि केएल राहुल ने ऑस्कर अवार्ड में मिली अपनी इनामी राशि को हॉलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को बांटने का फैसला किया है। केएल का कहना है कि अगर ये टीमें नहीं होती तो क्रिकेटर के तौर पर उनका एक्टिंग करियर इतना लंबा नहीं खिंच पाता। वहीं केएल राहुल मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बुआ के लड़के रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू, क्या पता लगा है केएल के बारे में? टिंकू, केएल के ऑस्कर जीतने के बाद हिंडनबर्ग ने खुफिया रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है कि केएल राहुल नाम का कोई शख्स तो है ही नहीं। दरअसल जिसे दुनिया केएल राहुल के नाम से जानती है वो केएल राहुल नहीं बल्कि कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर हैं। यही सुकेश चंद्रशेखर केएल राहुल बनकर टीम इंडिया में खेल रहा था। वो तो ठीक है, मगर इसे तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं था। टिंकू भाई, जिस केएल राहुल को आप जानते हैं उसे कौन सा क्रिकेट खेलना आता है? इसलिए सुकेश चंद्रशेखर ने जानबूझकर केएल राहुल नाम की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट की ताकि बार बार फ्लॉप होने पर उसे गालियां ना पड़कर केएल राहुल को गालियां पड़े। ओ भाई, मारो मुझे, मजाक हो रहा है। मगर केएल राहुल बार बार फेल हो रहा था, फिर भी टीम ने उसे निकाला क्यों नहीं? टिंकू, अच्छा सवाल पूछा आपने भाई। हुआ ये कि पिछले 2-3 सालों से तो खुद कोहली और रोहित भी ढंग से रन नहीं बना रहे थे, तो उन्हें भी टीम में ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो उनके हिस्से के भी गालियां खा सके। जब तक केएल टीम में था तो पूरी टीम के हिस्से की गालियां केएल को पड़ रही थी, इसलिए टीम में कोई भी नहीं चाहता था कि केएल यानी सुकेश चंद्रशेखर को निकाला जाए। खून खराबी से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। वाओ। इस बीच खबर आ रही है हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने सुकेश चंद्रशेखर उर्फ केएल राहुल की जिंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला किया है। देखिए, जब मैंने इस इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल उर्फ सुकेश चंद्रशेखर की लाइफ के बारे में सुना तो मैं हैरान हो गया। मुझे लगा इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो शायद मेरी इंसेप्शन में भी नहीं थे। वहीं केएल राहुल पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद एक्सपर्ट इस कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि अगर सुकेश चंद्रशेखर ही केएल राहुल है तो फिर अथिया शेट्टी कौन है। हालांकि इस बारे में ज्यादातर लोगों का कहना है कि अथिया शेट्टी कौन है इस बारे में तो लोग पहले ही नहीं जानते। हो सकता है जैकलिन फर्नांडिस ही अथिया शेट्टी। हेलो गाइस, हम संडास करने आए थे इस गन्ने में आगे लाइक करो, फॉलो करो। इस ट्विस्ट के बारे में हमने जब क्रिस्टोफर नोलन से बात की तो झाग छोड़ने के बाद वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अब इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का इरादा छोड़ दिया है क्योंकि ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए केएल राहुल के बजाय अब वो हॉलीवुड में तेरे नाम की रीमेक बनाएंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।